आपका फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो फ्रेंड, एक कमेंट, एक क्वेश्चन बहुत टाइम से आ रहा है STCW को लेकर, ओपन CDC को लेकर। जो बंदे STCW करके CDC निकाल लेते हैं उसे ही ओपन CDC बोलते हैं। तो बहुत लोग कंफ्यूज है कि हम ये करें कि ना करें, ये कोर्स करने से फ़ायदा होगा भी कि नहीं, फ़ायदा मीन्स जॉब लगेगा भी कि नहीं लगेगा। चलो अगर जॉब लग जाता है तो क्या रैंक प्रमोशन होता है कि नहीं, ऑफिसर रैंक में आपका रैंक प्रमोट होगा कि नहीं। तो मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि किन लोगों को STCW करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए। जिनको नहीं करना चाहिए उनके पास अदर ऑप्शन क्या है, बहुत सारे ऑप्शन हैं, उनमें से एक दो आज मैं आपको बताऊँगा। पहले शुरू करते हैं ओपन CDC वालों के लिए। देखो, कुछ लड़के मुझसे पूछ रहे थे कि यार तुम गलत इन्फॉर्मेशन देते हो, मालूम नहीं है तुमको कुछ। मेरे बगल में भैया हैं, मेरे बगल में ताऊ हैं, चाचा हैं, फूफा हैं, मामा हैं, ये लोग ओपन CDC करके आज बढ़िया रैंक पे हैं, ऑफिसर हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया सैलरी उठा रहे हैं, तो तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो ओपन CDC से जॉब मिलना मुश्किल है। तो भाई, वो 100 में से 10 बंदे ऐसे हैं जिनकी किस्मत अच्छी होती है। किस्मत बोले तो उनका रेफरेंस होता है, रेफरेंस भी कोई रेटिंग बैकग्राउंड का नहीं, ऑफिसर बैकग्राउंड का, लाइक कैप्टन या चीफ इंजीनियर। उन लोग का तो ठीक है, वो लोग तो अच्छी कंपनी में पहुंच जाएंगे, लेकिन आपका क्या, आपका रेफरेंस है? देखो, ओपन CDC यार तभी निकालो जब आपके पास कोई अच्छा रेफरेंस हो, कोई आपका रिलेटिव हो, कोई फ्रेंड हो जो एटलीस्ट सेकेंड ऑफिसर के रैंक पे हो, या फिर कैप्टन या चीफ इंजीनियर के रैंक पे हो। वो अगर बोले आपसे मैं आपका जॉब अपनी कंपनी में लगवा दूंगा, आप कर लो ओपन CDC, लेकिन 100% अगर आपको उस पर यकीन हो तभी करना। अगर 99% भी यकीन है तो मत करो ओपन CDC, फंस जाओगे। अगर उस बंदे पे आपको 100% यकीन है कि हाँ ये मेरा जॉब लगवा देगा, अपनी कंपनी में ले लेगा, भाई आप ओपन CDC निकाल सकते हो, उसमें कोई गलत नहीं है, कोई बुराई नहीं है, अच्छा है। करके एक बार आप अच्छे कंपनी में सेट हो गए तो सब आपका बढ़िया हो जाएगा, आपके लिए तो जन्नत हो जाएगा। बट जिन बंदों का रेफरेंस नहीं है, मर्चेंट नेवी बारे में कुछ पता नहीं है, बस थका थक ओपन CDC निकाले जा रहे हैं, तो यार उन लोग को मैं ये बोलना चाहूँगा, चलो तुम एजेंट को देके सीट पे चढ़ भी जाओगे तो कैसे सीट पे चढ़ोगे यार, बार्ज वार्ज पे भेज देते हैं, जाके यार घुटन जैसी जिंदगी जियोगे, न खाने को सही से खाना मिलेगा, न ड्यूटी का कोई टाइम फिक्स रहता है, मतलब समझ लो जिंदगी एक जहन्नम टाइप का हो जाता है। जिन बंदों का अच्छा रेफरेंस है उनके लिए तो ठीक है, तो जिनका रेफरेंस भी है उनको मैं बोलना चाहता हूँ, भाई आपका अगर 100% बिलीव हो कि आपका वो करवा ही देगा तभी आप ओपन CDC निकालो, नहीं तो और सारे रास्ते हैं। जैसे आप GP रेटिंग कर लो, अच्छे कॉलेज से GP रेटिंग करो, TS रहमान हो गया, आप इससे कर सकते हो, नूसी गोवा से कर सकते हो, इन सब कॉलेज में प्लेसमेंट की फुल गारंटी रहती है। हाँ, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है ब्रो तो आपको पढ़ाई करना होगा, एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, इंटरव्यू निकालना होगा, कंपनी का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, ये सब आप क्वालिफाई करते हो तो आप एडमिशन ले लो, उसमें क्या आपका 100% प्लेसमेंट गारंटी है। उसके बाद इन सब कॉलेज से GP रेटिंग आप करोगे तो कहीं सर्टिफिकेट ले जाओगे तो दिखा भी सकते हो, उसका वैल्यू होता है कि आप इन सब कॉलेज से किए हो। मैं यही बोलूंगा कि ओपन CDC निकाल रहे हो तो उससे पहले जॉब का जुगाड़ करो, CDC निकालने से पहले जॉब खोज लो। अब तुम बोलोगे जब जॉब पहले से ही खोजना है तो CDC क्यों निकालें, भाई यार मत निकालो, उससे अच्छा GP रेटिंग कर लो तुम। अगर पैसे की दिक्कत है तो एक काम कर सकते हो, CDC निकालने से पहले कुछ रिसर्च करो इस लाइन के बारे में, पता करो, मुंबई जाओ, घूमो, सीमेन हॉस्टल के बाहर जाओ, लड़कों से मिलो, उनसे बात करो, उनसे बोलो मैं ओपन CDC निकालने वाला हूँ, कुछ देखो समझो तब CDC निकालो। अपने जॉब का पहले से जुगाड़ करके रखो, CDC निकाल दे, सीट पे आ जाओ, अच्छी कंपनी ज्वाइन करो, क्योंकि देखो अगर गलत कंपनी में फंस गए ना तो वो छोटा MBC टाइप के सीट पे डाल देते हैं, जिंदगी घुटन में बीतेगी यार, इतना जान लो। इसीलिए हाँ, एक बात और बता दूँ, चलो मान लो आप कैसे भी करके अगर COP निकाल लेते हो अपना, 15 महीना आप कंप्लीट करोगे तो आपका वॉचकीपिंग आ जाएगा, उसके बाद 12 मंथ और करोगे आपका COP आ जाएगा। तो अगर आप COP निकाल लेते हो तब तो आप एलिजिबल हो, किसी भी कंपनी में जाओगे तो 10 में से 2 कंपनी तो ऐसा मिलेगा ही मिलेगा जो आपको ले लेगा, लेकिन उसके लिए आपको भी बहुत टाइम, उसके पहले का जो सफरिंग है, उसके पहले का जो आपका जर्नी है, वो आपको खुद से डिसाइड करके पहले से ही ढूंढ के रखना होगा।
अगर आपका रेफरेंस तगड़ा है तो ठीक है, या पहले से ही जॉब खोज लो उसके बाद ओपन सीडीसी निकालो। अगर बढ़िया कंपनी मिल गया तो लाइफ सेट है भाई, ओपन सीडीसी में कोई बुराई नहीं है, आपका रैंक प्रमोट भी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर नहीं है, अगर आपके पास थोड़ा पैसा है, जीपी रेटिंग करो या कोर्स का वैल्यू है, कहीं पे जाओगे भाई ना, मतलब एक वैल्यू रहता है कोर्स का, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। अगर आपका रेफरेंस है कंपनी में, अगर आपको पहले से ही कहीं पता है कि हमारा यहाँ हो जाएगा, कन्फर्म है, तब कोर्स कर लो। नहीं तो मैं तो बोलूँगा उससे अच्छा है स्किप करो, थोड़ा टाइम अपने आप को दो, अपने आप को प्रिपेयर करो, IMU CET का एग्ज़ाम दो, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लो, ये सब कर सकते हो। तो यही था आज का वीडियो ओपन CDCU को लेकर। और लास्ट में आपको मैं बता दूँ सैलरी के बारे में, तो सैलरी अगर आप इंडियन सिप के ज्वाइन करते हो तो आपको 15,000 से 25,000 के बीच में मिल सकता है। अगर आप फॉरेन सिप पे जाते हो तो 25,000 से 45,000 के बीच में मिलेगा, डिपेंड ऑन सिप एंड डिपेंड ऑन कंपनी, ये सैलरी स्ट्रक्चर है। और आपका प्रमोशन हो जाएगा, डोंट वरी, कर सकते हो, कोई बुराई नहीं है, बट जो मैंने बात बोला वो ध्यान में रखना। चलो फ्रेंड, तब तक के लिए जय हिंद।